30 जुलाई 1987 को इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके चलते पीएम राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। लेकिन अचानक श्रीलंका के एक सेलर ने राजीव गांधी के ऊपर राइफल बट से अटैक किया। राजीव गांधी बाल बाल बच गए। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद राजीव गांधी पर एक और अटैक हुआ, लेकिन इस बार राजीव गांधी नहीं बच सके और उनका निधन हो गया। ये इंसिडेंट भी श्रीलंका से ही कनेक्टेड था। 21 मार्च 1991 को तमिलनाडु में चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज की जा रही थी। राजीव गांधी रैली में पहुंचे, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उनको एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया। इस हमले के पीछे धानु नाम की एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर का हाथ था। बहुत जल्द पता चला कि इस हमले के पीछे LTTE का हाथ है। लेकिन ये लोग आखिर थे कौन? इनका इंडिया से क्या लेना देना था? आखिर क्यों ये राजीव गांधी की जान के पीछे पड़े हुए थे? आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं 1987 के इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड्स पर, जिसको इस इंसिडेंट का मेन कॉज माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। उस दौर के श्रीलंकन सिन्हालीज और तमिल्स के बीच सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें राजीव गांधी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्रीलंका में बढ़ रही टेंशन को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक समझौता मीडिएट किया। 29 जुलाई 1987, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी श्रीलंका पहुंचे और उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जेआर जयवर्धना के साथ एक शांति समझौता साइन किया। इस समझौते को इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड के नाम से जाना गया। उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। श्रीलंका में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले सिन्हालीज और हिंदू तमिल्स के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। श्रीलंका आर्म्ड फोर्सेस और कई मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में लड़ रही थीं। दूसरी तरफ श्रीलंका के सदन पार्ट में जनाथा विमुक्ति पेरामुना ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेबेलियन लॉन्च कर दिया था। ऐसे माहौल में साइन हुआ इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। इसके चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट वहां के तमिल्स को सेल्फ गवर्निंग राइट्स और बेटर कंडीशंस देने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बदले मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सभी एक्टिविटीज को बंद करना था। उस समय श्रीलंका में रह रहे इंडियन हाई कमिश्नर NN झा का मानना था कि इस अकॉर्ड का असली मकसद असल में श्रीलंका को टूटने से बचाना था। इंदिरा गांधी के समय से ही ये साफ कर दिया गया था कि इंडिया नहीं चाहती है श्रीलंका का बंटवारा हो जाए। वो चाहते थे कि दोनों साइड्स के बीच एक पीसफुल समझौता हो और श्रीलंकन तमिल्स को उनकी ड्यू राइट्स दिए जाएं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जानती थी कि एक डिवाइडेड श्रीलंका इंडियन स्टेट तमिलनाडु के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये श्रीलंका का इंटरनल मैटर था और ये अकॉर्ड वहाँ के राइवल ग्रुप्स के बीच होने के बजाय इंडिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच साइन हुआ, और इसी बात से तमिल्स और स्पेशली LTTE नाखुश थी। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये LTTE आखिर हैं कौन और उनका इस अकॉर्ड से क्या लेना देना था। LTTE या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका का एक तमिल मिलिटेंट ग्रुप था, जो श्रीलंका में रह रहे तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ रहा था। ये ग्रुप श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को चैलेंज करने वाला सबसे पावरफुल ग्रुप था। वो श्रीलंका के नदर्न और ईस्टर्न तमिल डोमिनेटेड एरियाज को अलग करके एक अलग देश बनाना चाहते थे और LTTE को लीड कर रहा था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन। लेकिन जब ये समझौता हुआ उस समय प्रभाकरन वहां मौजूद नहीं था। वो कोलंबो या फिर तमिलनाडु में नहीं बल्कि दिल्ली के 5-स्टार होटल अशोका में रुका हुआ था। इस समझौते से 5 दिन पहले ही वो भारत आया था। उसका कहना साफ था कि इंडिपेंडेंस के अलावा श्रीलंकन तमिल्स के लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है। नए अकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा तमिल लोगों की मुश्किलों को कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तमिल में प्रभाकरन को इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड के लिए मनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन वो श्रीलंकन गवर्नमेंट पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। 28 जुलाई को प्रभाकरन राजीव गांधी से मिला। राजीव गांधी ने उसे समझाया कि अगर वो इस समझौते को स्वीकार करते हैं तो श्रीलंका में भारत की पीस कीपिंग फोर्स वहां के तमिलियंस की सुरक्षा करेगी। लेकिन 1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद प्रभाकरन ने इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिया। उसके बाद हुई प्रभाकरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो सच में मान गया है।
लेकिन बाद में सामने आया कि प्रभाकरन इस बात को लेकर एक बार राजीव गांधी से फिर मुलाकात करना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन राजीव गांधी कोलंबो के लिए रवाना हुए और वहां जाकर हिस्टोरिक पीस कीपिंग अकॉर्ड साइन किया और यही वजह बना राजीव गांधी के असैसिनेशन की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये समझौता सच में भारत के लिए फायदेमंद था और क्या ये समझौता कुछ जल्दी में तो नहीं किया गया। इन सब बातों को समझने के लिए हमें जाना होगा इतिहास में, जहां से श्रीलंका में इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। दोस्तों 1987 में श्रीलंका में चल रहे इस केओस का भारत से संबंध काफी पुराना था। 1947 में भारत के आजाद होने के एक साल बाद 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली। उस टाइम इसको सिलोन कहा जाता था। आजादी से पहले श्रीलंका के फील्ड्स में काम करने के लिए भारत से तमिल स्पीकिंग वर्कफोर्स श्रीलंका में ले जाई जाती थी। इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता था। वहां पर पहले से रह रहे तमिल्स को श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था। उस टाइम श्रीलंका में तमिल्स की पॉपुलेशन लगभग 23% थी। उस समय श्रीलंकन गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग तमिल्स थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर वो मुकाम हासिल किया था। इसी वजह से सिन्हाला कम्युनिटी का डर था कि कहीं ये लोग उन पर ओवर पावर ना कर दें, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे तमिलियंस को साइडलाइन करना शुरू किया। इंडिपेंडेंस के बाद सिन्हालीज ने इंडियन तमिल से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि अब से श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ सिन्हालीज होगी। 1972 में इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1972 में श्रीलंका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इसी के चलते श्रीलंका का नाम बदलकर सिलोन कर दिया गया और बुद्धिज्म को स्टेट का प्राइमरी रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन तमिलियन पॉपुलेशन का मार्जिनलाइजेशन आगे भी जारी रहा। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी और इसी के चलते तमिलियंस द्वारा आर्म स्ट्रगल ने जन्म लिया। इसी का रिजल्ट था प्रभाकरन द्वारा 1976 में LTTE का एस्टैब्लिशमेंट। उनका मानना था कि जब तक तमिलियंस लड़ेंगे नहीं, तब तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। LTTE के फॉर्मेशन ने श्रीलंकन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1980 तक आते आते LTTE श्रीलंका के कई तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरी। इसने बाकी सभी मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी खत्म कर दिया। इस समय तमिलनाडु में भी श्रीलंकन तमिल्स के सपोर्ट की मांग की जा रही थी। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर श्रीलंकन तमिल्स को सपोर्ट करने का प्रेशर आ गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पर श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट्स को ट्रेन करने का आरोप लगा। इस खबर को सबसे पहले इंडिया टुडे मैगजीन के रिपोर्टर शेखर गुप्ता ने उजागर किया। उन्होंने इसको एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस बताया, लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था। इससे ना ही इंडिया को, ना श्रीलंका को और ना ही तमिलियंस को कोई फायदा हो पाया। इंडियन एजेंसी से ट्रेनिंग ले चुके LTTE ने जुलाई 1983 में एक बड़े इंसिडेंट को अंजाम दिया। उन्होंने श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस के 13 पर्सनल को मार दिया। इसी के चलते पूरे श्रीलंका में तमिलियंस के खिलाफ एक वायलेंस की लहर फैल गई। सभी जगह भयानक राइड्स देखने को मिले। इस पूरे इवेंट को ब्लैक जुलाई के नाम से जाना गया। इसके बाद श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया और इस सिचुएशन से परेशान होकर श्रीलंकन तमिल्स इंडिया के तमिलनाडु में भारी मात्रा में रेफ्यूजीज की तरह आने लगे और इसके बाद LTTE ने मान लिया कि श्रीलंका में उन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाएगा और यहीं से उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू की। जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों का असर इंडियन पॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा था। 1987 की शुरुआत से ही इंडियन गवर्नमेंट सभी ऑप्शंस एनालाइज कर रही थी, लेकिन उन्होंने आखिर में बातचीत और मीडिएशन पर प्रेशर दिया। लेकिन वहां की सिचुएशन का सही अंदाजा ना तो रॉ को था और ना ही इंडियन आर्मी को। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस ने तमिल मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑपरेशन चालू किया और अब इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका में एक बड़ा कदम लेने जा रही थी। इसी दौरान इंडिया ने ऑपरेशन पुमालाई की शुरुआत की। इसको ईगल मिशन 4 कोडनेम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन के चलते इंडियन एयरफोर्स ने वॉर टॉर्न श्रीलंका के जफान डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई को एयर ड्रॉप किया, जिससे तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया जा सके। इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने बातचीत की पहल की। इसी के चलते 29 जुलाई 1987 को इंडिया और श्रीलंका के बीच पीस अकॉर्ड साइन किया गया। इसी दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक और फैसला लिया,
जो था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को श्रीलंका में भेजना। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि IPKF को श्रीलंका में भेजना इस अकॉर्ड का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर आखिर क्यों ऐसे फ्रेजाइल सिचुएशन में ये कदम उठाया गया। दोस्तों अकॉर्ड होने से एक दिन पहले कोलंबो में काफी ज्यादा राइड्स हुए। अकॉर्ड वाले दिन ये वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां के प्रेसिडेंट के घर का एक पार्ट भी जला दिया गया। इसी के चलते प्रेसिडेंट जयवर्धना ने राजीव गांधी से कहा कि वो इस वायलेंस को रोकने के लिए जाफा से श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुलाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जाफना और ट्रिंकोमली में सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए इंडियन फोर्सेस भेजी जाएं। इसके बाद 6 घंटे के अंदर अंदर इंडियन फोर्सेस को श्रीलंका जाने के ऑर्डर्स दिए गए। इस फोर्स की कमांड संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपेंद्र सिंह। यहाँ पर IPKF का काम था पीस बिल्ड करना और दोनों राइवल फैक्शंस को अलग करके इस लड़ाई को शांत कराना और साथ ही साथ मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाकर उनसे सभी आर्म्स और एमिनिशंस को वापस ले लेना। लेकिन क्या LTTE सरेंडर करने वाला था? आइए देखते हैं। 3 अगस्त 1987 प्रभाकरन दिल्ली से वापस जाफना पहुंचा और यहां पर उसने इंडियन मेजर जनरल हरकीरत सिंह को लिख कर दिया कि वो अगले दिन अपने सभी हथियार IPKF को सौंप देंगे और अगले ही दिन उन्होंने ये करना भी शुरू किया। लेकिन 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आर्म्स IPKF को सरेंडर करने बंद कर दिए? यहीं से IPKF जो श्रीलंका में वॉर को खत्म कर शांति स्थापित करना चाहती थी वो खुद वॉर में फंस गई। हुआ ये कि 15 अगस्त को प्रभाकरन को पता चला कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ LTTE के ओपोनेंट ग्रुप्स को आर्म्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उन्होंने IPKF को आर्म्स सरेंडर करना बंद कर दिया। और तो और LTTE ने दूसरे देशों की मदद से फिर आर्म्स जोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन बातचीत अभी चल रही थी। तमिल डोमिनेटेड रीजन में रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स भी जारी रहे। इसी बीच LTTE के पॉलिटिकल विंग का एक लीडर थिलीपान हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया। वो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहा था, लेकिन हंगर स्ट्राइक के 12th डे पर थिलीपान की डेथ हो गई। राइट्स एक बार फिर भड़क उठे। और तो और इस इंसिडेंट ने IPKF की क्रेडिबिलिटी भी कम कर दी। ये इंसिडेंट शांत हुआ भी नहीं था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 17 LTTE मिलिटेंट्स को अरेस्ट कर लिया। फिर क्या था, LTTE के मिलिटेंट्स पूरी तरह इंडिया के अगेंस्ट हो गए। LTTE अब इंडिया के काबू से बाहर हो गई। हालत इस कदर खराब हुई कि LTTE अब खुलेआम IPKF से लड़ने को तैयार थी। कल तक जिनसे बातचीत हो रही थी वो आज बैटल फील्ड में आमने सामने खड़े थे। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी IPKF को LTTE को खत्म करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। इंडिया में सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज का जमकर ऑपोजिशन किया। रीजनल पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही दिखा। तमिलनाडु में DMK गवर्नमेंट ने भी इसका जमकर विरोध किया। वहां 22 अक्टूबर 1987 को रेल रोको आंदोलन हुआ। वो सभी IPKF को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता दोनों ही IPKF के अगेंस्ट खड़ी हो गईं। इतना ही नहीं, जिस श्रीलंकन गवर्नमेंट को LTTE से बचाने के लिए इंडिया ने IPKF को श्रीलंका में भेजा, वही गवर्नमेंट अब LTTE की साइड हो गई थी। यहां LTTE को ये डर था कि अगर IPKF कुछ और दिन वहां रही तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसी के चलते उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से हाथ मिलाया और डायलॉग के लिए तैयार हो गए। 1988 में श्रीलंका में इलेक्शंस हुए और 2 जनवरी 1989 को राणा सिंघे प्रेमादासा श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट बने। प्रेमादासा गवर्नमेंट ने LTTE से हाथ मिला लिया और हर तरीके से उनकी मदद करने लगे। इधर इंडिया में 1989 में लोकसभा इलेक्शंस हुए और राजीव गांधी को हटाकर VP सिंह नए प्राइम मिनिस्टर बने। VP सिंह गवर्नमेंट ने IPKF को वापस बुलाने का फैसला लिया। 24 मार्च 1990 को फाइनली IPKF की पूरी फोर्स इंडिया वापस आ गई। इस पूरे इंसिडेंट में IPKF ने अपने 1248 जवान खो दिए, लेकिन IPKF ने श्रीलंका में LTTE डोमिनेंस को काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया था। IPKF की निगरानी में ही और ट्रिंकोमली में इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए गए। इधर इंडिया में फिर से लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी। यहाँ ये माना जा रहा था कि अगर राजीव गांधी की गवर्नमेंट फिर से सेंटर पर आती है तो LTTE के अगेंस्ट फिर से IPKF को श्रीलंका भेजा जा सकता था। लेकिन उससे पहले ही 21 मई 1991 को LTTE ने राजीव गांधी का असैसिनेशन करवा दिया। कहते हैं कि रॉ ऑफिशियल्स ने उन्हें पहले ही ये जानकारी दी थी कि उन पर उस दिन कोई हमला हो सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह हमला
इतना जानलेवा होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी राजीव गांधी के असैसिनेशन की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या कोई बेटर तरीका हो सकता था श्रीलंका में LTTE की समस्या को रिजॉल्व करने का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।